नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ से। अहम जानकारी सामने आ रही है, यूपी में बनेंगे 100 स्थायी बाढ़ शरणालय। बाढ़ से प्रभावित होने वाले 18 जिलों में बनेंगे शरणालय। 622 करोड़ की लागत से सरकार कराएगी निर्माण। 3000 से अधिक लोगों को आश्रय देने की होगी व्यवस्था। अमरोहा, आजमगढ़, बाराबंकी, बिजनौर, बदायूं में शरणालय बनाए जाएंगे। फरुखाबाद, गोंडा, हरदोई, कन्नौज, कासगंज में बनेंगे शरणालय। लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, मऊ, मेरठ में बनाए जाएंगे शरणालय। मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर, सीतापुर, उन्नाव में बनेंगे शरणालय। 18 जिलों के 702 गांव के करीब 2,00,000 लोग होते हैं प्रभावित। 3 चरणों में होगा 100 स्थायी शरणालय का निर्माण। सबसे पहले अति संवेदनशील 10 जिलों में होगा निर्माण। दूसरे और तीसरे चरण में 45-45 स्थलों पर बनेंगे शरणालय। 3000 वर्ग मीटर क्षेत्र में 2 मंजिला बनेंगे शरणालय। तो लखनऊ से खबर सामने आ रही है, अलग अलग जगहों पर शरणालय का निर्माण किया जाएगा। 3 चरणों में इनका निर्माण होगा। यूपी में 100 स्थायी बाढ़ शरणालय बनाए जाएंगे। तो बाढ़ प्रभावितों को बचाने के लिए सरकार का अहम कदम है, और इसी को देखते हुए सरकार ने 622 करोड़ की लागत से इन्हें बनाने का निर्देश दिया है। तो यूपी में 100 स्थायी बाढ़ शरणालय बनाए जाएंगे और 3 चरणों में इनका निर्माण कराया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियम, यूपी में 100 से ज्यादा स्थायी बाढ़ शरणालय बनाए जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, हर बार जब बाढ़ का मौसम आता है, बारिश का मौसम आता है, उसके बाद में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, और ऐसे में लोगों को वहां से स्थापित करके दूसरी जगह पर उनको कहीं ना कहीं उनको बसाना एक बड़ा चैलेंज हो जाता है जिला प्रशासन के लिए। और हर बार तकरीबन ऐसी स्थिति जो है वो देखने को मिलती है, और उसको ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने अब फैसला किया है कि वो 18 ऐसे जिले जहाँ पर बाढ़ ज़्यादा आती है, जो निचले जिनका जो भूजल का जो कह सकते हैं जिनका जो स्तर है वो काफ़ी निचला है, और जहाँ पर वो बाढ़ के समय पर जलमग्न होते हैं, पूरी तरीके से लोग जो है वो प्रभावित होते हैं, तो ऐसे में उन उस वक्त पर लोगों को सही जो सुविधा है वो मुहैया कराई जा सके, इसलिए सरकार ने फैसला किया है कि 622 करोड़ रुपए से 18 जिलों के अंदर 100 जो हैं वो बाढ़ शरणालय स्थल जो हैं वो बनाए जाएंगे। कई मंजिला ये स्थल जो हैं वो होंगे, और उसके अंदर सभी व्यवस्थाएं जो हैं वो की जाएंगी, जिसके जरिए ऐसे वक्त पर लोगों को जो है वो राहत मुहैया कराई जा सके। इसको लेकर ये 18 ऐसे जिले होंगे, हरदोई है, सीतापुर है, लखनऊ है, और इसके अलावा अन्य बहराइच है, ऐसे ये जिले हैं जहाँ पर बाढ़ की स्थिति तकरीबन हर बार देखने को मिलती है, या कह सकते हैं भयावह स्थिति जहाँ पर देखने को मिलती है, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो प्रभावित होते हैं। तो ऐसे में इन लोगों को जैसा समय जो है सही और सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा सके, उनको बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके, तो उसको लेकर सरकार ने ये एक बड़ा फैसला किया है कि अब सरकार इन 18 जिलों में 100 ऐसे शरणालय स्थल बनाएगी जिसमें जब बाढ़ आती है तो बाढ़ प्रभावितों को उसमें ठहराया जा सके, उनके रहने की व्यवस्था हो सके उसके अंदर, और उनको किसी भी तरीके की समस्याएं ना हो। ये सभी स्थल उस जगह पर बनाए जाएंगे जो बाढ़ वाले एरिया से बहुत ज़्यादा दूर भी ना हो और बहुत पास भी ना हो। पास इसलिए ना हो ताकि बाढ़ का पानी वहाँ पर ना पहुँचे, और दूर इसलिए ना हो ताकि उनको जब स्थापित किया जाए और वहाँ पर उनको बसाया जाए तो वो उसमें भी जिला प्रशासन को ज़्यादा मशक्कत ना करनी पड़े। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कह सकते हैं एक तरीके से बाढ़ के लिहाज से ये सेफ हाउस के तरीके से होंगे कि जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो ऐसे में जो पानी के जरिए जो घर हैं जलमग्न हो जाते हैं, पूरे पूरे जो गांव हैं वो जलमग्न हो जाते हैं, तो उसके अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो काफ़ी हद तक इससे प्रभावित होते हैं, तो उनको इस तरीके की समस्याओं का सामना कम करना पड़े और कहीं ना कहीं उस वक्त पर उनको राहत मुहैया कराई जा सके। तो इसको ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से एक अहम और बड़ा फैसला लिया गया है। जी, बाढ़ से प्रभावित होने वाले अभी जो है 18 जिलों में ये शरणालय बनाए जाएंगे, लेकिन इसके अलावा इन जिलों के अलावा जहां जो है इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उन लोगों के लिए क्या कुछ व्यवस्था सरकार की तरफ से किया जाएगा?
देखिए फिलहाल अभी ये वो 18 जिले चिन्हित किए गए हैं जहां पर बाढ़ की समस्या सबसे अधिक प्रदेश के अंदर देखने को मिलती है, जो जिनका कह सकते हैं जो स्तर है वो काफ़ी नीचे है और जिस वजह से बाढ़ सबसे पहले इन जिलों को प्रभावित करती है। इन जिलों में उस निचले इलाके में रहने वाली जो आबादी है उसको प्रभावित करती है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो। तो उसको ध्यान में करते हुए फिलहाल अभी पहले चरण में इन 18 जिलों को चिन्हित किया गया है। इसमें ये 100 शरणालय स्थल बन जाएंगे। उसके बाद जब प्रथम चरण का कार्य पूरा हो जाएगा तो सरकार उसके बाद दूसरे चरण के लिए या अन्य जिलों को लेकर जो है वो रुख कर सकती है, लेकिन फिलहाल अभी जो है वो इन 18 जिलों के लिए ही घोषणा करी गई है, जिसमें 622 करोड़ रुपए इसके लिए सरकार जो है वो खर्च करेगी और उनकी मदद से ये 100 शरणालय स्थल जो है वो बनाए जाएंगे। जी, अभी जो है 3000 लोगों को जो है इसमें आश्रय मिल सकता है, लेकिन क्या इन 100 शरणालयों से जो और भी लोग हैं उनको उनके लिए जो है ये व्यवस्था पर्याप्त हो पाएगी? देखिए व्यवस्था चूंकि सरकार व्यवस्था करना एक सतत प्रक्रिया है, तो कहीं ना कहीं उसका एक ये हिस्सा है, कह सकते हैं कि पहले चरण में ये तैयारी की जा रही है। हर एक शरणालय स्थल के अंदर 3000 लोगों को बसाने की, उस वक्त पर रोकने की उसमें व्यवस्था जो है वो की जाएगी। इसके अलावा सरकार अन्य व्यवस्थाएँ भी लगातार पैरेलल करती रहती है। जब ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती है तो हमने देखा है कि स्कूलों में रुकवाया जाता है या जो गेस्ट हाउस हैं वहाँ पर रुकवाया जाता है। फौरी तौर पर जो व्यवस्थाएँ हो सकती हैं वो प्रशासन की तरफ से की जाती हैं, तो कह सकते हैं कि इनकी मदद से उस वक्त में व्यवस्थाएं करने में आसानी होगी। और 3000 की आबादी जो है वो तकरीबन अभी जो लक्ष्य रखा गया है कि हर एक शरणालय स्तर में 3000 लोगों के रोकने की व्यवस्था जो है वो उसमें की जाए, तो उस लिहाज से कह सकते हैं कि काफी ये मददगार साबित होगा। जी प्रेम, बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे। और लखनऊ दौरे पर बीजेपी महामंत्री संगठन बीएल संतोष 2024 चुनाव की तैयारियों को लेकर करेंगे समीक्षा बैठक। यूपी पार्टी संगठन के नेताओं से मिलेंगे बीएल संतोष, पार्टी संगठन और सरकार के मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। तो नेताओं से बीएल संतोष मिलेंगे, यूपी पार्टी संगठन के नेताओं से मिलेंगे और 2024 की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक होगी। और लखनऊ दौरे पर बीजेपी महामंत्री संगठन बीएल संतोष है, जहां नेताओं से मिलेंगे और बातचीत करेंगे। 2024 के चुनाव को लेकर जो है इस दौरान बातचीत होगी और मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। तो लखनऊ दौरे पर बीजेपी संगठन महामंत्री बीएल संतोष है और इस दौरान वो मंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे, साथ ही चुनाव की तैयारियों की समीक्षा बैठक भी करेंगे। बीजेपी महामंत्री संगठन बीएल संतोष का लखनऊ दौरा है और इस दौरान जो है 2024 के चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक करेंगे, जहां तैयारियां कैसी चल रही है इसको लेकर बातचीत करेंगे, नेताओं मंत्रियों से जायजा लेंगे। तो लखनऊ दौरे पर बीजेपी महामंत्री संगठन बीएल संतोष हैं और इस दौरान वो पार्टी के कई मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे, साथ ही बैठक भी होनी है और इस दौरान 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बातचीत करेंगे, मंत्रियों से तैयारियों की समीक्षा करेंगे। तो लखनऊ दौरे पर बीजेपी महामंत्री संगठन बीएल संतोष हैं और इस दौरान ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है चुनाव के लिहाज से। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर मंत्रियों से बातचीत करेंगे। तो लखनऊ से खबर सामने आ रही है, लखनऊ दौरा है बीजेपी महामंत्री संगठन बीएल संतोष का और प्रियम पाठक लगातार हमारे साथ बनी हुई है। प्रियम, कितने बजे से बीएल संतोष का दौरा होगा? देखिए बीएल संतोष जो हैं वो लखनऊ पहुंच चुके हैं,
पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह ने उनका एयरपोर्ट पर स्वागत किया है और वहां से वो पार्टी मुख्यालय पर पहुंचे हैं और वहां पर पहुंचने के बाद वो समीक्षा बैठक करेंगे संगठन के साथ में। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जो हैं वो सभी कह सकते हैं जो 2024 के चुनाव को लेकर तैयारी चल रही है उसकी वो समीक्षा करेंगे पार्टी कार्यालय पर। सरकार के जो मंत्री हैं उनसे वो मुलाकात करेंगे और उसके अलावा पार्टी ने क्या कुछ रणनीति बनाई है, किस तरीके से किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रही, अभी तक का कितना काम हुआ है, जो आगे आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से महत्वपूर्ण है, क्या कुछ तैयारियाँ हुई हैं और क्या कुछ तैयारी अभी करने की आवश्यकता है, तो उसको लेकर वो करेंगे समीक्षा करेंगे, पार्टी पदाधिकारियों के साथ में बैठक करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी वहां पर मौजूद रहेंगे, संगठन महामंत्री जो धर्मेंद्र सिंह है वो यहां पर मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं 2024 के लिहाज से कह सकते हैं बीजेपी के अंदर लगातार बैठकों का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है और राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं उनके भी कहीं ना कहीं दौरे जो हैं वो इन दिनों देखने को मिल रहे हैं और उसी के चलते आज बीएल संतोष भी लखनऊ पहुंचे हैं और यहां पर पहुंचकर वो पार्टी की समीक्षा करेंगे। प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा की सीटें हैं तो उन हर एक सीट को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हुई हैं, विशेष तौर पर वो सीटें जिनको 2014 में बीजेपी ने जीत पाई थी और 2019 में नहीं जीत पाई थी, उन दोनों ही चुनावों में हार के क्या कारण रहे थे, किस वजह से पार्टी जो है उन सीटों पर जीत हासिल करने में नाकाम रही थी, क्या वजह थी, हार के क्या कारण थे, किस वजह से जो है वो समीकरणों को नहीं जान पाए थे, तो उनको कैसे इस बार दुरुस्त किया जाए, जो 2019 में हारी हुई सीटें थी उनको कैसे और मजबूती के साथ पे इस बार परफॉर्मेंस की जाए ताकि उनको भी अपने खेमे में किया जा सके। तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कह सकते हैं कि आज इस बैठक के अंदर इसमें समीक्षा रहेगी, हर एक सीट को लेकर बिंदुवार तरीके से जो है वो समीक्षा की जाएगी, चाहे वो प्रत्याशियों के नामों को लेकर जो रणनीति बन रही उसको लेकर हो या फिर पार्टी की अपनी स्ट्रेटेजी को लेकर हो कि ग्राउंड जीरो पर वो किस तरीके से जनता के बीच में जाएंगी, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, अयोध्या में जो 22 तारीख का जो कार्यक्रम है उसको लेकर किस तरीके से व्यापक स्तर पर जो है वो प्रचार प्रसार किया जा रहा है, किस तरीके से लोगों के बीच में इसको पहुंचाया जाएगा, बीजेपी इसका पूरी तरीके से कैसे फायदा उठाएगी और क्या कुछ उसको लेकर अभी तक तैयारियां की गई हैं, इन सभी चीज़ों की भी वो समीक्षा जो है इस अपने बैठक के दौरान कर सकते हैं। हर एक चीज़ को लेकर वो पूछ सकते हैं कि क्या कुछ व्यवस्थाएँ जो हैं वो की गई हैं, किस तरीके से पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं, जिलाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं, अलग अलग जो मोर्चे हैं वो किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, हर वर्ग के जो मतदाता हैं उनको लुभाने के लिए बीजेपी ने क्या कुछ तैयारियाँ करी हैं, क्या कुछ उसकी रणनीति है और कैसे उस रणनीति को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि विस्तृत समीक्षा का जो है वो बीएल संतोष की तरफ से की जा रही है और उसमें हर एक चीज को लेकर देखा जाएगा कि जिससे 2024 के चुनाव में बीजेपी की जीत को और भी सुनिश्चित किया जा सके, उसको मजबूत किया जा सके, उसकी जो दावेदारी है उसको बेहतर किया जा सके और जो समीकरण है चाहे वो जाति समीकरण हो, क्षेत्रीय समीकरण हो या अन्य समीकरण हो, उन सभी को कैसे साधा जाए ताकि जो जीत की जो अनुमान है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लगाई जा सके और इसके अलावा जो जीत है वो बेहतर तरीके से हो, ज़्यादा वोटों के साथ में हो, विशेष तौर पर उन सीटों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, समझा जाएगा जिनमें हार का या जीत का मार्जिन बहुत कम था तो वहाँ पर क्या वजह थी, विरोधी दल के क्या समीकरण उन सीटों पर साध सकता है, हर एक चीज़ को लेकर आज ये कह सकते हैं समीक्षा बैठक की जाएगी और इसीलिए कह सकते हैं कि बीएल संतोष का दौरा भी आज ये कई मायनों में अहम है। जी, बैठक कब से शुरू हो सकती है और कौन कौन से लोग जो है इस दौरान शामिल हो सकते हैं? देखिए, बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहेंगे, इसके अलावा संगठन महामंत्री धर्मेंद्र सिंह जो हैं वो मौजूद रहेंगे, इसके अलावा संगठन के अन्य जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे, सरकार के जो मंत्री हैं उनसे वो कई मंत्रियों से उनकी मुलाकात का कार्यक्रम जो है वो रखा गया है, इसके अलावा अन्य जो बड़े नेता हैं जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनके साथ में जो है बीएल संतोष की ये मुलाकात जो है वो हो सकती है और उसमें वो सभी से फीडबैक ले सकते हैं कि प्रदेश के अंदर इस समय क्या कुछ स्थितियाँ चल रही हैं, क्या कुछ सर्वे रिपोर्ट्स कह रही हैं, क्या कुछ अभी अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। तो हर एक चीज़ को लेकर कह सकते हैं कि आज इस बैठक के दौरान बीएल संतोष जो है वो लोगों के साथ में संवाद करेंगे और अपने पार्टी कार्यकर्ता नेताओं से जो है वो मुलाकात करेंगे। जी, लखनऊ में वो कब तक रुक सकते हैं? देखिए, अभी उनका जो फिलहाल कार्यक्रम है वो 1 से 2 दिन का कार्यक्रम है जिसमें वो ये पूरी तरह से समीक्षा करेंगे और इसका जो विस्तृत कार्यक्रम है वो आने वाले समय पर जारी होगा, लेकिन अभी फिलहाल उनका ये कार्यक्रम जो है वो जारी हुआ है जिसमें वो लखनऊ पहुंचे हैं और यहाँ पर वो समीक्षा करेंगे। जी प्रियम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लखनऊ दौरे पर बीजेपी महामंत्री संगठन बीएल संतोष रहेंगे और इस दौरान चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे।
और बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार का फैसला पलटा। बिल्किस के दोषियों में सजा की छूट की गई रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की रिहाई का फैसला पलटा। गुजरात सरकार ने दोषियों को पिछले साल रिहा किया था। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। दोषियों को पिछले साल रिहा किया था और रिहाई का फैसला गुजरात सरकार ने अब जो है दोषियों को पिछले साल रिहा किया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने उनके फैसले को पलट दिया है। दोषियों में सजा की छूट जो है अब रद्द कर दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की रिहाई का फैसला पलट दिया है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजित दिल्ली से जुड़ गए। अजित, बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, क्या जानकारी है? आज बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला आया है और इस मामले में जो 11 दोषी थे उनकी जो रिहाई हुई थी उस रिहाई को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। आपको बताना चाहूंगा कि जो मामला चल रहा था गुजरात दंगे के दौरान से मामला चला था, गैंगरेप के तहत मामला था और उसमें जो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरा का पूरा मामला हुआ और 2022 में गुजरात सरकार ने जनवरी 2022 में गुजरात सरकार ने इन 11 दोषियों की जो सजा थी वो सजा माफी नीति के तहत उन्हें माफ कर दिया गया था, जिसके बाद बिल्किस बानो की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था और उसके बाद 12 अक्टूबर को कोर्ट ने जो अपना फैसला सुरक्षित रखा था और आज की तारीख मुकर्रर की थी, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और जो सभी जो 11 दोषी हैं उनके खिलाफ जो रिहाई की जो थी वो रद्द कर दी है। अब कहा जा सकता है कि तमाम जो दोषी हैं उनको एक बार फिर से जेल जाना पड़ेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले सुनाते समय विशेषों पर अपनी कई तीखी टिप्पणी भी की। उस दौरान विशेषों पर कहा कि जो मामला था वो महाराष्ट्र में चल रहा था, तो ऐसे में गुजरात सरकार कैसे उनकी जो रिहाई है वो कर सकती है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि गुजरात सरकार के फैसले को पलटते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला किया है। जी, अब दोषियों के ऊपर क्या लगता है, अब आगे कार्रवाई हो सकती है क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है इन्हें मुंह की खानी पड़ गई? बिल्कुल, देखिए कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं बिल्किस बानो के मामले में काफी उनको जो बिल्किस बानो की तरफ से जो किया गया था उनको काफी राहत मिली है, क्योंकि अब इन्हें एक बार फिर से जेल जाना पड़ेगा और निश्चित तौर पर उसी हिसाब से आगे की कानूनी कार्रवाई होगी। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से गुजरात सरकार को फटकार लगाते हुए जो टिप्पणी की वो कहीं ना कहीं गुजरात सरकार की जो नीति थी उस पर सवाल जरूर खड़े हुए हैं कि आखिरकार जो एक मामला चल रहा था उसमें उनको दोषी ठहराया जाता है और उसके बाद गुजरात सरकार 2022 में उनको जो उनकी जो सजा है वो माफ कर देते, तो आखिरकार वो कैसे? 2 साल बाद कहा जा सकता है कि एक बार बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है और आज ये जो बड़ा फैसला है वो कहा जा सकता है कि अब जो 11 दोषी जो थे कहीं ना कहीं उन्हें फिर से एक बार जेल जाना पड़ेगा। जी, क्या दोषियों की तरफ से या उनके अधिवक्ता की तरफ से कोई रिएक्शन सामने आया है? देखिए, अभी जब कुछ देर पहले ही ये फैसला आया है तो अभी ऐसे में जो दोषियों के जो वकील हैं उनकी तरफ से अभी तक फिलहाल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो और आगे की जो कानूनी कार्रवाई होती है, चाहे वो पुनर्विचार याचिका दायर करने वाली बात हो या फिर और कानूनी दावपेच है वो खुले हैं, तो हो सकता है वो क्या कदम उठाएंगे वो देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी फिलहाल कहा जा सकता है कि इस मामले में दोषियों के जो वकील हैं उनकी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो ये आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है एक बड़े फैसले के रूप में जरूर दिखाया जा सकता है। जी अजीत, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बिल्किस बानो केस में बड़ा फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, दोषियों में सजा की छूट रद्द कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। तो दोषियों की रिहाई का फैसला पलट गया है, गुजरात सरकार के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। और बढ़ते हैं आगे, बलिया पहुंचे मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने ओवैसी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि देश में कुछ लोग जाति धर्म मजहब के नाम पर राजनीति करके अपने राजनीति को जिंदा करने का नाकाम कोशिश जो है वो करते रहते हैं। आज हमारा देश विकास की तरफ बढ़ रहा है, अल्पसंख्यक मुस्लिम के अंदर तरक्की की भाईचारे की
उन्नति का विश्वास है। हम सब मिलजुल कर अपने भारत को विकास के तरफ आगे ले जाने की सोच रखते हैं। अल्पसंख्यक समाज के वोट को वोट बैंक के चश्मे से किसी को नहीं देखना चाहिए। अल्पसंख्यक समाज विकासवादी सोच के साथ आगे बढ़ने का लक्ष्य बना रहा है। हमारे मोदी और योगी की सरकार उनके तालीम और तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से अल्पसंख्यक समाज को अपनी सरकार पर पूरा भरोसा है। देश में कुछ लोग जाति धर्म मजहब के नाम पर राजनीति करके अपने राजनीति को जिंदा करने की हमेशा नाकाम कोशिश करते हैं। आज हमारा देश, हमारा समाज विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है और अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज आज डरा नहीं है। उसके अंदर एक विश्वास है तरक्की की, एक विश्वास है भाईचारे की, एक विश्वास है उन्नति की, और हम सब मिलजुल के अपने भारत को विकास की तरफ आगे ले जाने की सोच रखते हैं। निश्चित तौर पे अब अल्पसंख्यक समाज को वोट बैंक के चश्मे से किसी को नहीं देखना चाहिए। अल्पसंख्यक समाज को विकासवादी एजेंडे के साथ आगे बढ़ाने का हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में तेज रफ्तार का कहर नहीं रुक रहा है। कुमरावा मार्ग के मिश्रीपुर गांव के सामने देर रात एक अज्ञात वाहन ने एक बाइक सवार को रौंद दिया, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। राहगीरों की सूचना पर काफी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं आगामी 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इस अनूठे पल के साक्षी बनने को लेकर भक्तों में बड़ा उत्साह नजर आ रहा है और वो अपने अपने स्तर पर इस आयोजन की तैयारियां भी कर रहे हैं। इन्हीं में से दो युवा भक्त हैं, उड़ीसा के शिवा और पिंटू, जो कि उड़ीसा से अयोध्या तक पैदल यात्रा करते हुए अयोध्या जा रहे हैं, जो वहां पहुंचकर प्रभु श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेंगे। शिवा और पिंटू की राम भक्ति देख पूरा जौनपुर राममय हो गया। दोनों भक्तों को जौनपुर पहुंचने पर स्थानीय राम भक्तों की अगुवाई में स्वागत किया गया। राम की ज्योति से वो नूर मिलता है, सभी के दिलों में सुरूर मिलता है। जो भी जाता है राम के धाम, उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। जी हाँ, 22 तारीख को जो है वो दिन सभी को इंतजार है। हमारे साथ आप देख सकते हैं उड़ीसा से जो है दो राम भक्त जो है पैदल चलकर अयोध्या जा रहे हैं, सीधा उड़ीसा जानेंगे। जय श्री राम भैया। जय श्री राम। कहाँ जा रहे हैं आप? हम अयोध्या जा रहे हैं। क्या कितना उमंग है? उमंग मतलब हम बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं और हम जाके अयोध्या जाके हम उड़ीसा टिटलागढ़ से निकले हैं। 19 नवंबर को अयोध्या पैदल यात्रा कर रहे हैं हम, और वहां जाके प्रभु जी का दर्शन करेंगे और जो भी सेवा कार्य होगा वो सब करेंगे। इससे पहले कभी अयोध्या गए हैं? नहीं, ये पहली बार है। पहली बार। जी, तो आप रामलला को भव्य मंदिर में देखिए, क्या दृश्य, क्या नज़ारा रहेगा वो तो मतलब वहाँ जाके पता चलेगा कि मतलब अंदर से बहुत खुशी हो रही है कि इतने सालों के बाद मंदिर बन रहा है, तो उसी खुशी से उसी इच्छा से हम जा रहे हैं। हर सनातनी चाहता है 500 साल के बाद जो है प्रभु राम का हम दर्शन करें, एक साक्षी बनेंगे। आप प्रभु राम के दरबार में जा रहे हैं, क्या खास रहे, क्या 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 लेके जा रहे हैं? मन में श्रद्धा भक्ति सब लेके जा रहे हैं कि प्रभु जी का दर्शन करेंगे। और अयोध्या बहुत विकास हो रहा है, तो राम मंदिर का भी जो है कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, तो सेवा करने भी आप जा रहे हैं बताया जा रहा है। जी जी, हम फिर बजरंगी हैं और राम जी की कोई कार्य होगा और बजरंगी ना जाए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? बिल्कुल, जो है बजरंगी हैं और बजरंग दल से हैं। भगवान राम भी जो है प्रभु राम के, हनुमान जी जो है प्रभु राम के भक्त थे और उन्हीं भक्तों से आपको फिर रूबरू कराते हैं। भाई तब क्या नाम है आपका? जय श्री राम सर। जय श्री राम भैया। मेरा नाम शिवा सर। आज जो है हनुमान के रूप में आप अयोध्या जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? मैं आपको सर बोल नहीं सकता, मतलब बहुत खुशी है सर, एक्सप्लेन नहीं कर सकते सर इस चीज़ का। सेवा करने जा रहे हैं प्रोग्राम के? जी, हम लोग दर्शन भी करेंगे और मंदिर में जो सेवा कार्य जो भी रहेगा सर हम लोग उधर करेंगे, और हम लोग बजरंग दल से हैं। जौनपुर पहुँचे हैं, यूपी का जौनपुर, कैसा लग रहा है? उत्तर प्रदेश में आपका आगमन हुआ तो कैसा? सर उत्तर प्रदेश मतलब सुने थे, कभी नहीं आए हैं, और ऐसे सुने थे, मतलब आज आए तो मतलब पता चल रहा है कि इतना प्यार मिलता है और अपने यहाँ भी हैं। लगता है राम राज आ गया? आ तो रहा है, अभी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी आने वाला है। पैदल चल रहे हैं, कितनी संकटों का सामना आपने किया होगा, तो आस्था कैसा? सर वो तो मतलब राम जी के नाम से तो निकले हैं सर, तो क्या मतलब कोई दिक्कत नहीं आया, और छोटा मोटा होता रहता है सर, मतलब वो चीज मतलब मैटर नहीं करता ज्यादा हम लोग को। पूरा देश जो है राममय हुआ है, तो ऐसे में लोगों को कितना सपोर्ट मिल रहा है जो आप निकले हैं दर्शन के लिए? सर वैसे तो हम लोग उड़ीसा से दो भाई निकले थे, लेकिन जाते जाते पूरा परिवार लेते हुए जा रहे हैं राम जी के पास। दोनों भाई हैं? नहीं, वैसे ही मतलब मोहल्ले का भाई है, भाई है, कजन। हाँ,
भाई साहब, एक आखिरी अपील जो है, आप जा रहे हैं 22 जनवरी बेहद नज़दीक है, इंतजार नहीं होता समझ लीजिए, 22 तारीख हर किसी को इंतजार है, समय नहीं बीतता, हर कोई एक आस लगाए जल्दी 22 जनवरी है, क्या अपील रहेगी भक्तों से? मतलब इतनी खुशी हो रही है कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे, पास होते जा रहे हैं, तो एक्साइटमेंट इतनी बढ़ रही है कि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कि हम सोच रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाके प्रभु जी का दर्शन करें, सेवा करें, सिर्फ मन में यही है। क्या मनोकामना प्रभु जी से रहे, क्या मांगेंगे प्रभु जी को? तो मतलब ये तो मांगने की चीज़ वो तो मन में है, वो आपको शेयर नहीं कर सकता। भैया आप क्या अपील है भक्तों से? सर मतलब मैं अपील भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि मंदिर बनने में भी अब बहुत सी कठिनाई आई है, मतलब बहुत लोगों ने जान भी दिया है, तो मैं यही प्रेयर करूंगा कि मंदिर बन जाए और भगवान सबको मतलब आशीर्वाद दे, और जो जो मतलब मंदिर के काम में, सेवा काम में बहुत कुछ लगा है बहुत लोगों का, तो उनको मतलब अच्छे से रखे भगवान। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवा है सर। भैया आपका नाम? पिंटू। बिल्कुल, और शिवा और पिंटू की भक्ति पूरा दुनिया देख रही है, कहा जाए पूरा देश जो है राम भक्ति में डूबा हुआ है। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।